हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद एतिमन। अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत, इनसाइटफुल थ्योरी या इनसाइट थ्योरी, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। यहाँ पर देखिए, ये जो थ्योरी है किसने दी है? गेस्टाल्टवादियों ने दी है, जो कि संज्ञानवादी सिद्धांत देते हैं। और गेस्टाल्ट जो है वह जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र, पूर्णाकृतिक या पूर्णाकार। तो यहाँ पर जो गेस्टाल्टवादी हैं वो ये मानते हैं कि जो प्राणी है वो संपूर्ण परिस्थितियों को समग्र रूप में देखता है, ठीक है, और होल टू पार्ट की तरफ जाता है, या होल का मतलब होता है संपूर्ण और पार्ट यानी अंश। तो सबसे पहले वह संपूर्ण आकृति को देखता है, फिर उसके छोटे छोटे जो भाग होते हैं उनकी तरफ जाता है। जैसा कि मैंने आपको पेड़ का एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको सिलेबस का भी एग्जाम्पल दिया था कि जब भी हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? उसका सिलेबस देखते हैं, ताकि हमें यह समझ में आ जाए कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो वही चीज है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल जो पेड़ का था कि पेड़ के जो छोटे छोटे भाग हैं, यानी कि उसका तना है, उसका फूल है, उसका फल है, ये चीज हम पहले नहीं देखते हैं, जबकि हमारी नजर जो है वो सबसे पहले जो पूरा पेड़ है उस पर जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये किसका पेड़ है, इस पे कौन से फल लग रहे हैं। तो यहाँ प्राणी जो है वो संपूर्ण परिस्थितियों को एक किस रूप में देखता है? समग्र रूप में देखता है। और यहाँ पर कोई भी परिस्थिति उसके सामने आती है तो उन परिस्थितियों में उसके जो माइंड है वहां पर सूझ जो है वो अचानक से उत्पन्न होती है, और उस सूझ के द्वारा ही वो आगे वाले कार्य करता है, और जिससे कि वह सीख जाता है। तो यहाँ पर एक जो सिद्धांत में जो प्रयोग किया है कोहलर का, जो कि फेमस प्रयोग है, कोहलर ने सुल्तान जो चिंपैंजी है उस पर प्रयोग किया था, तो जिसमें कोहलर ये कहते हैं कि जो चिंपैंजी है तो वो उसके सामने जो केले रखे जाते थे उनको लेने के लिए, चाहे वो छड़ी का प्रयोग है या दूसरा बॉक्स का प्रयोग है, तो उसमें केले जो उसने प्राप्त किए वो सूझ के द्वारा प्राप्त किए, और जो कि उसके माइंड में अचानक से आई, उसके लिए उसने कोई भी प्रैक्टिस नहीं की। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस की बात तो बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसे थॉर्नडाइक कहते हैं, स्किनर कहते हैं कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ही जो उद्दीपक है उसकी प्राप्ति होती है। थॉर्नडाइक का क्या कहना था कि जो है सबसे पहले क्या करो कि जो भूखी बिल्ली है उसके सामने उद्दीपक रखा था, उसके बाद उसने काम करना स्टार्ट किया था, और उसके बाद धीरे धीरे बार बार करके ये काम जो है वो सीख गई थी, ठीक है। उसी तरीके से स्किनर, स्किनर क्या कहते हैं कि पहले काम करो, और काम करने से जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद उद्दीपक की प्राप्ति तो खुद हो जाएगी, वो ये कहते हैं। गेस्टाल्टवादी जो है इसके अपोजिट कहते हैं, वो कहते हैं कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो जो चीज दिखाई दे रही है उसको लेने के लिए अचानक से आइडिया जो आता है दिमाग में, जो एक बत्ती सी जल जाती है चीज को देखकर कि कैसे हम इसको ले सकते हैं, जो सूझ उत्पन्न होती है उसके द्वारा ही जो है काम बनता है, ठीक है। और ये जो सूझ है ये अचानक उत्पन्न होती है, किसी के द्वारा बताई भी नहीं जाती है तब भी ये उत्पन्न हो जाती है, स्वतः ही ये उत्पन्न होती है, कोई भी प्रैक्टिस करने की यहाँ जरूरत नहीं होती है। तो ये थॉर्नडाइक का जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है इसको बिल्कुल नकार देते हैं, ठीक है। इस सिद्धांत का जो अन्य नाम है वह है गेस्टाल्ट का सिद्धांत और पूर्ण कार्यवाही सिद्धांत। और इसके जो मुख्य प्रतिपादक हैं, देखिए, कोहलर हैं, वर्दीमर हैं और कोफका हैं। तीनों का नाम याद रखना है, जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं, गेस्टाल्टवादी हैं। यहाँ पर पूछा जाएगा कि जो सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत में प्रयोग करता है वो कौन है, तो वो कोहलर है, ठीक है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वो वर्दीमर हैं। तो कोफका कौन है? कोफका जो है ये सहयोग करता है, जिन्होंने सहयोग किया, इन्होंने जो है इनका जो भी कार्य कर रहे थे उसमें इनका सहयोग किया। तो कोहलर जो है प्रयोगकर्ता, वर्दीमर जो कि संस्थापक हैं इसके, प्रतिपादक हैं, और कोफका सहयोगकर्ता, ठीक है। तीनों ही जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं। तो इनका प्रयोग जो है वो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर हुआ था, याद रखना है नाम। और यह कैनरी द्वीप पर 1913 से 1918 के बीच में हुआ था। यहाँ पर बुक के नाम है, याद रखना, मैक्स वर्दीमर की जो बुक है थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टिज्म 1912 में लिखी गई थी, और कोहलर ने जो प्रयोग किया उसी के आधार पर इनकी बुक का नाम है मेंटेलिटी ऑफ एप्स, चिंपैंजी की मानसिकता, जो 1925 में लिखी गई।
तो इनके जो दो प्रयोग हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहला प्रयोग जिसे हम छड़ी समस्या पर प्रयोग इस नाम से जानते हैं, और दूसरा जो प्रयोग है वह बॉक्स समस्या पर प्रयोग है। तो इसमें जो सबसे पहला प्रयोग है, तो यहाँ पर चिंपैंजी की मानसिकता जो है इसी के बारे में जो है बात की गई कि सूझ के द्वारा ही उसने जो है चीज सीखी, और एक बार में ही ये सीख ली, इसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं की इसने। यहाँ पर चिंपैंजी जो था सुल्तान, उसको एक कमरे में बंद कर दिया, और यहाँ पर दो जो है छड़ी यहाँ रख दी इसके सामने, ठीक है। अभी इसको नहीं पता था इन छड़ियों का क्या करना है। इसके सामने जो है वो केले टांग दिए गए। अब चिंपैंजी, जिसको सबसे ज्यादा पसंद क्या होता है, केले होते हैं, जो बंदर होते हैं उनको केले ही ज्यादा पसंद होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसने केले देखे, और अचानक से दिमाग में ये आइडिया लगाया केले कैसे प्राप्त करने हैं। एक छड़ी उठाई और केले की तरफ बढ़ा, केला नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि अधिक दूरी पर था। फिर इसने क्या किया, एक जो छड़ी है उसमें दूसरी छड़ी जो है इन दोनों को ज्वाइंट किया, और ज्वाइंट करके इस केले की तरफ बढ़ा। तो इस तरीके से केले जो है यह ले पाया और केले खा लिए, ठीक है। तो ये छड़ी समस्या का प्रयोग था। तो ये जो केले प्राप्त करने के लिए इसने जो छड़ियां दोनों को जोड़ा, तो इसके दिमाग में ये एक बार में ही ये चीज आ गई और खुद आई है, और ये जो आइडिया है ये अचानक से आया। इसके लिए इसने कोई प्रैक्टिस नहीं की, और उसके बाद भी कोई प्रैक्टिस नहीं की। इसको पता चल गया कि इस तरीके से केले प्राप्त हो सकते हैं, दोनों छड़ियों को जोड़ना और जोड़ के केले ले लेना। दूसरा जो प्रयोग है वो बॉक्स समस्या का प्रयोग है। यहाँ पर तीन बॉक्स रख दिए गए, ऊंचाई पर जो है केले टांग दिए गए। तो इसने क्या किया कि एक जो बॉक्स है उसके ऊपर चढ़कर देखा तो केले इसको नहीं मिले, दूसरा बॉक्स इस बॉक्स के ऊपर रखा तब भी केले नहीं मिले, उसके बाद तीसरा बॉक्स जो है इसके ऊपर रखा और इसके ऊपर चढ़कर केले मिल गए इसको, ठीक है। तो ये भी इसके दिमाग में अचानक से ये चीज आई, सूझ जो है अचानक से आई कि जो है बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखकर जो है यहां पर केले मुझे मिल सकते हैं। गेस्टाल्टवाद के अनुसार जो प्राणी है वो संपूर्ण परिस्थितियों को एक समग्र रूप में देखता है। ये इंपॉर्टेंट है इनकी थ्योरी में कि जो भी प्राणी जो भी परिस्थितियों में कुछ भी देखता है सबसे पहले उस समग्र रूप में देखता है। सूझबूझ या अंतर्दृष्टि से तात्पर्य किसी परिस्थिति में विभिन्न पक्षों के मध्य संबंधों को देखने अथवा समझ लेने से है। सूझ प्राय अचानक या स्वतः स्फूर्त ढंग से उत्पन्न होती है। इसके लिए कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती है। जो आइडिया आता है हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग की जो बत्ती जल जाती है, अचानक से रोशनी हो जाती है, ऐसा लगता है हाँ ये आइडिया आ गया, तो उसके लिए ना तो कोई प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और ये अचानक से और स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। सीखने की जो क्रिया है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत, कि सीखने की जो क्रिया है किस पर निर्भर करती है, प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करती है, कि जो भी परिस्थिति है हमारे सामने, जो भी कंडीशन है, उसमें आप जो है चीजों को कैसे देखते हो, ठीक है। तो ये देखने से संबंधित है। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है स्वयं आंखों से देखना। सूझ सदैव अचानक उत्पन्न होती है, और अधिगम सूझ के फलस्वरूप ही उत्पन्न होता है, और इसी के कारण अधिगम भी अचानक से होने वाली प्रक्रिया है। इन्होंने अधिगम में अभ्यास के महत्व को नहीं स्वीकारा, थोंडाई के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत को नकारा है, और अधिगम जो है ये कहते हैं कि एक उद्देश्यपूर्ण खोज परक या सृजनात्मक प्रक्रिया है। इसमें प्राणी विशिष्ट उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया ना करके, उद्दीपक क्या होता है, उद्दीपक जो है ऐसा उत्तेजक पदार्थ होता है जिसको प्राप्त करने के लिए प्राणी जो है वो उत्सुक रहता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, ठीक है। तो जिसमें प्राणी विशिष्ट उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया ना करके संपूर्ण परिस्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है। तो यहां पर इनका क्या कहना है कि जो अधिगम है, लर्निंग जो है, वो क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण है। जैसा कि उद्देश्य निर्धारित कर लिया था चिंपैंजी ने कि उसे केले जो है वो लेने हैं, ठीक है। खोज परख है, उसने खोज करना स्टार्ट कर दिया, और जो कि छड़ी जो है उसने ली और एक दूसरे से ज्वाइंट की, तथा सृजनात्मक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी जो कि इसी से उत्पन्न होती है, सूझ के द्वारा ही उत्पन्न होती है, और जिसमें प्राणी विशिष्ट उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया ना करके बल्कि संपूर्ण परिस्थिति के प्रति जो है अनुक्रिया करता है।
इस सिद्धांत की विशेषताएं, तो क्या क्या विशेषताएं हैं इस सिद्धांत की? सबसे पहले देखिए, सीखने की जो प्रकृति है, नेचर जो है सीखने का, वो संज्ञान पर आधारित है, ठीक है? संज्ञानात्मक होता है, जो कि हमारे माइंड से रिलेटेड है। सूझ जो है अचानक उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर यही बात की गई है कि प्रैक्टिस का इससे कोई लेना देना नहीं है। सीखना जो है वह स्थायी होता है, और इससे सीखना जो है कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है। अंतर्दृष्टि को विकसित करने में कल्पना का महत्वपूर्ण योगदान है, यानी जो सृजन शक्ति है उसका महत्वपूर्ण रोल है अंतर्दृष्टि को विकसित करने में। अंतर्दृष्टि उत्पन्न होने में पूर्व अनुभव जो है वो सहायक होते हैं, जो हमारे पूर्व अनुभव हैं वो इसमें जो है इसकी हेल्प करते हैं। किसमें? अंतर्दृष्टि में, सूझ में। उसके बाद देखिए, अंतर्दृष्टि और सूझ को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले है आयु। आयु प्रभावित करती है, क्योंकि एक छोटी जो उम्र का बालक है उसकी सोच और बड़ी उम्र का बालक, उसकी सोच में बहुत अंतर होता है, अपने अपने तरीके से वो सोचते हैं, ठीक है? वही बुद्धि जो है वह भी प्रभावित करती है। अधिक बुद्धिमान जो बालक है उसके माइंड में फटाफट से वो सूझ आ जाती है, जबकि कम बुद्धिमान बालक के बहुत देर में आती है, या फिर ना भी आए ऐसा भी हो सकता है। आहा अनुभव, तो आहा अनुभव क्या है? जो कि अचानक से और स्वतः ही दिमाग में आ जाता है, कि वो जो आइडिया जो कि उस व्यक्ति के दिमाग में तुरंत आया हो। मान लीजिए एक कमरे में जो है वो चार लोग किसी बात पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? और वहां पर वो लोग आपस में बैठकर जो है किसी भी चीज पे बात कर रहे हैं कि हाँ, हम जो है एक ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जिसके आगे जो है पार्क होगा, खेलने के लिए मैदान होंगे, ठीक है, जिसमें बच्चे खेल सके। अचानक से एक जो व्यक्ति है उसके दिमाग में ये भी आ जाए अचानक से कि हाँ, एक आइडिया और है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो वही क्या है? आहा अनुभव। प्रत्यक्षीकरण, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि स्वयं अपनी आंखों से देखना, ठीक है? उसके बाद देखिए कल्पना। कल्पना यानी कि वो जो क्रिएटिव जो माइंड होता है व्यक्ति का, जो कि कोई भी नई चीज जो है वो क्रिएट कर सके, तो ये कल्पना के आधार पर ही होता है। और ये कल्पना जो है यह भी सूझ को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद देखिए सूझ अधिगम पर आधारित सिद्धांत। यहाँ पर जो है गेस्टाल्टवादियों के कुछ जो है नियम है, और वो कौन-कौन से नियम है? तो सबसे पहले देखिए समागम का नियम। तो समागम का नियम, जहां पर पूर्व अनुभव की बात होती है, यानी अधिगम जो है वो पूर्व अनुभव पर भी आधारित है, और इस सिद्धांत के अनुसार जो है किसी एक जो समस्या है उस पर ध्यान केंद्रित करना, इस ये नियम ये कहता है। यानी यहां पर देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर हमें एक आयत दिखाई दे रहा है, ये वर्ग दिख रहा है और ये त्रिभुज दिख रहा है, तो ये हमारे जो पूर्व अनुभव है वो यहां पर काम कर रहे हैं। यदि हमें अनुभव नहीं होता कि ये आयत है और ये वर्ग है और ये त्रिभुज है, तो हम बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते थे, ठीक है? जबकि हम इसके अंदर जाकर देखें तो इनके बीच में आपको जो है वो गैप नजर आ रहा है, ये किसी भी तरीके का आयत नहीं है। लेकिन गेस्टाल्टवादियों का क्या कहना था कि जो प्राणी है जो संपूर्ण परिस्थितियों को एक समग्र रूप में देखता है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, जब मैंने आपको सबसे पहले ये नहीं बताया कि इनके बीच में गैप है, तब आपने भी सबसे पहले ये देखा कि ये तो क्या है, ये एक आयत है, ये एक वर्ग है और ये क्या है, एक त्रिभुज है, इसी रूप में आपने भी देखा। तो यहाँ पर ये सिद्धांत जो है वो काम करता है, यानी कि किसी भी परिस्थिति में विभिन्न पक्षों के मध्य जो संबंधों को देखने या समझ लेने से होता है, जो ये क्या है, अंतर्दृष्टि है या सूझ है। तो ये हमारी जो सूझ है, हमारे जो पूर्व अनुभव है वो यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है? और हमारी समस्या जो आती है हमारे सामने उस पर फोकस करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो संपूर्ण आकृति है उसको हमने सबसे पहले देखा, तो ये नियम ये कहता है। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर नियमों के जो है नाम पूछे जाएंगे कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का ये नियम नहीं है। समानता का नियम, समीपता का नियम, सम्मितता का नियम, ठीक है, समापन का नियम, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। समानता का नियम, समानता का नियम क्या कहता है कि जो कोई भी वस्तु है, कोई भी उद्दीपक है जो कि आकृति आकार में समान है, तो हम उसको जो है वो एक इकाई के रूप में देखेंगे, ठीक है? भले ही उन इकाइयों में हम नजदीक में जब जाएं तो हमें पता लगता है कि ये जो है छोटी छोटी बिंदी हैं जो कि हल्की हैं, और ये इसकी दूसरी जो लाइन है ये डार्क है, उसके बाद हल्की है, फिर डार्क है,
ठीक है, जब हम बिल्कुल बारीक में गए, जब हमने अंश की बात की, तब हमें ये पता चला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो भी कोई उद्दीपक है, जो भी कोई वस्तु है, यदि आकृति आकार में समान है, तो हम उसको केवल एक इकाई के रूप में ही देखेंगे। उसके बाद देखिए समीपता का नियम। समीपता का नियम ये कहता है कि जब भी कोई उद्दीपक या कोई वस्तु एक दूसरे के समीप है, एक दूसरे के निकट है, तो हम उसे जो है एक एक इकाई के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर जो है हमने इसका जो है एक अलग जो है वो ग्रुप बना दिया। इस तरीके से ये भी एक दूसरे के समीप है, तो हमने इसका एक ग्रुप बना दिया। ये छोटा समूह है, तो हमने इसका जो है एक ग्रुप बना दिया, लेकिन देखा हमने एक इकाई के रूप में ही, ठीक है। उसके बाद देखें सममितता का नियम। सममितता का नियम जो हम एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं रीजनिंग के, तो वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। यानी हमने जो है देखा कि ये जो कोई आकृति है, ये आकृति जो है इस आकृति से जुड़ेगी, ऐसा हमने अपने दिमाग में सबसे पहले जब हमने एक बार में देखा तो यही हमारे दिमाग में आया कि ये जो है ये इससे जुड़ेगा, दूसरा जो भाग है वो ये रहेगा और तीसरा जो भाग है वो ये रहेगा, ऐसे हमारे दिमाग में एक बार में ही सूझ आई। जबकि मैंने यहाँ पर जो ये मार्क लगाया है, जो ये आकृति बनाई है, वो दूसरी आकृति तीसरी आकृति के बिल्कुल नजदीक बनाई है। इन दोनों से भी ये जॉइंट हो सकती थी, फिर भी ये जॉइंट नहीं की। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारे दिमाग ने पहले ही इस चीज को समझ लिया था कि ये जो पहली आकृति है ये दूसरी आकृति से ही जुड़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी और इसी तरीके से तीसरी। फिर देखिए निरंतरता का नियम जो है वो ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि कोई भी आकृति हो, कोई भी वस्तु है, कोई भी उद्दीपक है, यदि वो कंटिन्यू है, तो हम उसको इसी तरीके से देखेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे बिंदु हैं, इनके बीच में गैप है, फिर भी हम इसी तरीके से इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सिद्धांत जो है निरंतरता के नियम पर भी आधारित है। तो यदि ये चीज जो यहाँ पर खत्म भी होती है, फिर भी हमारे दिमाग में ये चलेगा कि ये इसी तरीके से चलने वाली है, ठीक है। और अगर हम इसके आंशिक रूप में गए, हम इसके बारीकी जो रूप है उसमें गए, तब हमें ये पता लगता है कि इनके बीच में देखिए कितना गैप है। तो हमारा दिमाग जो है वो देखकर ही इन चीजों को पता लगा सकता है कि ये जो है कंटिन्यू है, यानी ये लगातार है और ये आगे भी लगातार चलता रहेगा। और इसी तरीके से ही ये जो छठा नियम है वो भी इसी तरीके का ही है, सामान्य भाग्य या परिणाम का नियम। ये जो देखिए एरोप्लेन है, ये एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो यानी इसके आगे जो एरोप्लेन बनेगा वो भी इसी दिशा में जाएगा, ऐसा हमने सोचा है, ठीक है। ऐसा ही हमारे दिमाग में ये चीज आई है। तो यहाँ पर जो ये नियम है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के, ये इनके नाम आप याद रखेंगे, समानता का नियम, निकटता का नियम या संरचना का नियम, समापन का नियम, ठीक है। समानता का नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु है, उद्दीपक है, जो कि आकृति आकार में या फिर स्पीड में भी यदि समान है, तो उसे हम एक इकाई के रूप में देख सकते हैं। या फिर कोई भी उद्दीपक वस्तु है और वो एक दूसरे के पास में है, नजदीक है, तब भी हम उसे एक इकाई के रूप में देख सकते हैं यदि वो समान है, ठीक है। और इसी तरीके से समापन का नियम भी ये कहता है कि कोई भी एक जो प्रॉब्लम होती है उस पर हमारा ध्यान जब भी जाता है, जब वो एक दूसरे के समापन यानी कि उसकी समाप्ति को बताए। जैसा कि हमने वो सबसे पहला जो नियम देखा था ट्रायंगल का, सर्कल का, आयत का, उसी तरीके से, ठीक है। जब उसके बीच में गैप था, फिर भी हमने पूर्व अनुभव के द्वारा ये पता लगाया कि ये एक क्या है, सर्कल है, ये एक क्या है, ट्रायंगल है, ये एक आयत है। उसके बाद देखिए शिक्षा में क्या प्रयोग है इस सिद्धांत का। तो ये सिद्धांत जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण से अंश विधि के प्रयोग पर बल देता है, ठीक है। वही सिलेबस का जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है वो यहाँ पर लागू हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये जो है अभ्यास पर बल नहीं देता है। ये किस पर बल देता है? रटने की अपेक्षा जो है वो समझने पर बल देता है, सोच पर बल देता है, कल्पनाओं पर बल देता है, सृजन शक्ति पर बल देता है, ठीक है। प्रैक्टिस या रटने पर यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं। यह सिद्धांत तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालक को संज्ञानात्मक योग्यताओं के प्रत्यक्षीकरण, तर्क, चिंतन, कल्पना, समस्या समाधान को विकसित करने पर बल देता है। जो भी हमारे संज्ञान में है, जो भी हम सोचते हैं, हमारे माइंड से जो रिलेटेड है, वो इस सिद्धांत पर बल देता है। यह सिद्धांत तो खोज और अनुसंधान के आधार पर बालक को सिखाने पर बल देता है। यह सिद्धांत किस पर बल देता है? कोई भी नया आइडिया आए, कोई भी खोज हो, कोई भी अनुसंधान हो,
उसके आधार पर जो है वो बालक को जो है सिखाने पर बल देता है, रटने की प्रवृत्ति पर जो है इसका विरोध करता है। यह सिद्धांत जो अध्यापक को विषय वस्तु को पढ़ाने से पहले उसके समग्र प्रस्तुतिकरण पर बल देता है। ठीक है, तो ये जो है सिलेबस का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर आ चुका है। जैसे मैंने आपको जब साइकोलॉजी जो है वो पढ़ाई, तो यहाँ पर अधिगम का जैसे ही मैंने आपको टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि कौन जो है संज्ञानवादी सिद्धांत को देने वाले हैं, कौन व्यवहारवादी सिद्धांत को देने वाले हैं। तो आपके माइंड में एक जो ढांचा है वो बन गया। तो यहाँ पर ये सिद्धांत जो है वो आपका कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वह करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।